तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्ज़ाम्स का विरोध नहीं थम रहा है। अब थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी एनुअल एग्ज़ाम और कोरोना के चलते अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और प्रशासन से एनुअली एग्ज़ाम को रद्द करने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब केवल थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे, जो कि यूनिवर्सिटी कोरोना महामारी को देखते हुए ओपन बुक एग्जाम्स के फॉर्म में ले रही है। एग्जाम्स की संभावित तारीख 1 जुलाई निर्धारित की गई है, यानी एग्जाम्स में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अब भी एग्जाम्स देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना की वजह से कई स्टूडेंट्स अपने होम टाउन यानी अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स का स्टडी मटेरियल हॉस्टल में ही रह गया है। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं 4 मार्च को अपने होम टाउन करनाल आई थी मिड सेम ब्रेक के लिए, बट उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं वापस नहीं जा पाई। एंड अब यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने का डिसीजन लिया है। आई डोंट नो मैं ये एग्जाम्स कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरा स्टडी मटेरियल नहीं है। एंड नॉट इवन मी, ऐसे बहुत आउट स्टेशनर्स हैं जिनके पास उनका स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो मिड सेम ब्रेक के लिए गए थे एंड अब उनके सारे नोट्स, उनका स्टडी मटेरियल उनके पीजीज में है। सेकेंडली, सिचुएशन बहुत वर्स होती जा रही है, सब कुछ और क्रिटिकल हो रहा है। कोई खुद अफेक्टेड है, किसी के रिलेटिव अफेक्टेड है एंड इस टाइम पे मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स ऑल्सो। लॉकडाउन ने मुझे एक चीज सिखाई है, हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अब ये एग्जाम्स का डिसीजन बिल्कुल उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा एंड आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विद दिस डिसीजन। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम देने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। कई स्टूडेंट्स DU की ऑनलाइन परीक्षा पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ऐसे एरिया से रहता हूं जहां पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपको मैं अपनी नेट की प्रॉब्लम समझाना चाहूँ तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप जैसी ऐप जो नेट का बहुत मिनिमल यूज मांगती है वो तक नहीं काम कर पाती है कई बार। तो मतलब उसके लिए हमें रात का वेट करना पड़ता है, क्योंकि रात को नेट स्पीड थोड़ी बेटर होती है। तो पेपर डाउनलोड करने और अपलोड करने में मुझे नहीं पता कि मैं 1 घंटे में वो चीज़ कर पाऊंगा कि नहीं, और मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि 5वां सेमेस्टर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और अगर आखिरी सेमेस्टर इंटरनेट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा आगे का करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बाद का पेपर आप बाद में दे सकते हैं, बट मेरी जॉब भी स्टार्ट होनी है सेप्टेम्बर से एंड अगर मेरे पास फाइनल ईयर की डिग्री नहीं होगी तो वो मेरी जॉब भी रुक जाएगी। तो मेरा ये एक निवेदन है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों से कि वो अपना ऑनलाइन एग्जाम का जो उन्होंने सोचा हुआ है, प्लीज इसको एक और थॉट दें और कोई और अल्टरनेटिव निकाल। बहरहाल, ओपन बुक एग्जाम्स का विरोध न केवल स्टूडेंट्स बल्कि शिक्षक भी कर रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।